हुडा पांडे एयरपोर्ट से जल्द लखनऊ और कानपुर के लिए उड़ान भरी जा सकती है। सांसद डॉक्टर एसटी हसन और सांसद गिरीश चंद के उठाए मुद्दे पर लोकसभा में जवाब देते हुए केंद्रीय नागरिक उड़ान मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हुडा पांडे से जल्द उड़ान शुरू करने का दावा किया है। डॉक्टर एसटी हसन ने सदन में कहा कि मुरादाबाद के उत्पादन दुनिया के कई मुल्कों में जाते हैं, जहां के एक्सपोर्टर को बहुत जल्द दिल्ली आना पड़ता है, मुंबई चेन्नई व कलकत्ता जाना पड़ता है। करीब 10-12 साल पहले हुडा पांडे में हवाई पट्टी बनी है। साथ ही कहा कि उन्होंने हमेशा वहां से डोमेस्टिक फ्लाइट शुरू होने की कई बार डिमांड की है, ताकि आर्टिजन को मुंबई दिल्ली आ जाने में आसानी हो सके। उन्होंने कहा कि लेकिन हर बार उनके उद्घाटन जल्द ही होने की बात कही जाती रही, लेकिन उद्घाटन अभी तक नहीं हो सका है। उन्होंने मंत्री से जल्द डोमेस्टिक व इंटरनेशनल फ्लाइटें जल्द से जल्द शुरू करने की मांग की है। मैं मुरादाबाद से ले आता हूँ, जिसका एक्सपोर्ट तमाम दुनिया के अंदर होता है, अमरीका से लेकर यूरोप, मिडिल ईस्ट, जापान, सभी जगह यहाँ के प्रोडक्ट जाते हैं। यहाँ के एक्सपोर्टर्स को फ्रीक्वेंटली दिल्ली आना पड़ता है, बहुत जल्दी जल्दी उनको बॉम्बे जाना पड़ता है, चेन्नई जाना पड़ता है, कलकत्ता जाना पड़ता है। मैं अफसोस के साथ ये कहना चाहता हूँ कि मुरादाबाद के अंदर एक एयर स्ट्रिप बनी थी और बनी है, तकरीबन 10-12 साल हो गए। हमारी हमेशा ये डिमांड रही कि कम से कम यहाँ से डोमेस्टिक फ्लाइट्स चालू हो जाएँ, ताकि हमारे एक्सपोर्टर्स को और हमारे आर्टिजन्स को आसानी हो जाए दिल्ली आने में, बॉम्बे जाने में। हमें बार बार तारीखें मिलती रहीं कि अब इसका इनॉग्रेशन होगा, जब इसका इनॉग्रेशन होगा, लेकिन आज तक उसका इनॉग्रेशन नहीं हुआ। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि 23 करोड़ रुपए एक्सपोर्ट के लिए आवंटित किया गया, जिससे एयरपोर्ट डेवलप हो चुका है। लाइसेंसिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई, उसके पूरा होते ही मुरादाबाद से कानपुर और मुरादाबाद लखनऊ की कनेक्टिविटी शुरू कर दी जाएगी। बिजनौर जिले की नगीना लोकसभा क्षेत्र से बसपा सांसद गिरीश चंद ने सदन में कहा कि हुडा पांडे में 2007 से ही हवाई पट्टी का निर्माण शुरू हो गया था। देश के अन्य कई शहरों में उड़ान योजनाएं जिस तेजी के साथ की गई, मुरादाबाद के लिए नहीं की गई। वहीं अब देखना ये होगा कि कब जाकर इस ओर ध्यान दिया जाता है और हवाई सेवाएं शुरू की जाती हैं।